स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग पिछले वीडियो में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़े थे और उसी वीडियो में हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि हम इसके टाइप को बताएंगे आज। तो हम लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये दो तरह का है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब आप दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो उसमें से एक सॉलिड प्रोडक्ट आता है। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लिए हैं एल्युमिनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों एक्वस है और दोनों को यदि मिक्स कर दीजिएगा तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रिसिपिटेट मिलेगा, यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो मिलेगा आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा और अमोनियम क्लोराइड जो मिलेगा ये एक्वस में मिलेगा। तो हम यहाँ क्या देखे कि दो लिक्विड को मिला दिए तो वहां पे एक सॉलिड प्रिसिपिटेट बन गया, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको मैक्सिमम एग्जांपल जो हम दिए हैं वो सब प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। एक दूसरा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पहले भी आप पढ़े होइएगा, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड साल्ट, एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट बनता है और वाटर बनता है और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड हो गया, ये NaCl ये साल्ट हो गया और वाटर लिक्विड हो गया, वाटर हो गया। तो यहाँ क्या आप देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक्वस में है, सोडियम क्लोराइड भी एक्वस है और वाटर भी लिक्विड के फॉर्म में है। तो यहाँ दो लिक्विड मिलाए, दो एक्वस सोल्यूशन को मिक्सअप किए तो यहाँ पे एक्वस प्रोडक्ट ही मिला और इसमें किसी तरह का कोई प्रिसिपिटेट नहीं मिला। तो इस तरह से हम दो भाग में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिवाइड किए हैं। एक डिवाइड किया प्रिसिपिटेशन में जिसमें दो लिक्विड को मिलाया आपको तो सॉलिड प्रोडक्ट मिला, इसके बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं। और दूसरा बात बताया कि एसिड और बेस को मिलाते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ भी आप समझना चाहे तो समझ लीजिए, सोडियम और हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या है, सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड OH माइनस, एच प्लस और Cl माइनस। यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम के पास क्लोरीन ट्रांसफर हो जाएगा और OH के पास चला जाएगा, तो यहाँ पे वाटर बना देगा और यहाँ NaCl बना देगा। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, साथ ही साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। ऊपर वाले रिएक्शन में ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हुआ, साथ ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। तो इस तरह से आप पूरे टॉपिक आप नोट्स बना लीजिए बढ़िया से, जहां कोई दिक्कत होगा फिर आप हमसे फोन करके बात कर लीजिए। और दूसरा चीज आपको बता दें कि हम लोगों का कंप्लीट हो गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब एक बचा हुआ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसके बारे में हम लोग कल परसों बात करेंगे। इसके पीछे हम होमवर्क आपको कुछ कल लिखाएंगे, उसके बाद हम परसों आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताएंगे। और आज हम लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टॉपिक एंड कर गया, खत्म हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।